बोरो 2 की मेकिंग को लेकर जबरदस्त अपडेट आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इस फिल्म की जब से अनाउंसमेंट की गई है तब से फैंस इसकी छोटी बड़ी जानकारी पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1997 में बॉर्डर फिल्म आई थी और इस फिल्म के कर्ता धर्ता थे जेपी दत्ता। फिल्म के लीड हीरो थे सनी देओल और सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, पुनीत इस्सर और सुदेश बैरी जैसे कलाकारों ने काम किया था। पुराने कलाकारों को इस बार फिल्म के दूसरे भाग में नहीं लिया गया है और सनी देओल के अलावा किसी भी पुराने कलाकार को फिल्म के दूसरे भाग में नहीं लिया जाएगा। हालांकि सुनील शेट्टी को ना लिए जाने की बात से ही फैंस काफी ज्यादा नाराज है, लेकिन इसी कड़ी में सुनील शेट्टी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है और बॉर्डर 2 में उनको लेकर एक बड़ी ही दिलचस्प जानकारी सामने आई है। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ये धरती मेरी माँ है जैसे डायलॉग बोलने वाले सुनील शेट्टी ने बॉर्डर फिल्म के जरिए काफी वाहवाही लूटी थी और इस फिल्म में अपने किरदार से उन्होंने सभी लोगों का मन भी मोह लिया था। यही बड़ी वजह है कि बॉर्डर 2 में जब उन्हें नहीं लिया गया तो फैंस खासा नाराज हो गए। लेकिन सुनील शेट्टी ना हुए तो उनकी जगह अब उनके बेटे का किरदार निभाने के लिए वरुण धवन आ गए हैं और वरुण धवन बॉर्डर फिल्म के दूसरे भाग में सुनील शेट्टी के बेटे का किरदार निभाने वाले हैं। आइए चले जानते हैं कि क्या है पूरी खबर। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बॉर्डर 2 को लेकर इस समय सनी देओल काफी ज्यादा चर्चाओं में है और गदर 2 की हिट के बाद साल 1997 में रिलीज हुई इस फिल्म का सीक्वल भी ऐलान हो चुका है, जिसके बाद से फैंस के बीच में एक जिज्ञासा सी आ गई कि इस बार क्या कुछ हमें नया देखने को मिलेगा। निर्माताओं का कहना है कि बॉर्डर 2 भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी वॉर फिल्म होगी, लेकिन इसी क्यूरियोसिटी को बरकरार करते हुए मेकर्स को एक साल हो चुके थे, जिसके बाद फिल्म का टीजर बीते दिनों ही रिलीज किया गया है और फैंस के लिए बड़ा धमाका हो गया। इसने दर्शकों को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था, लेकिन इसी एक्साइटमेंट तब और ज्यादा बढ़ गई जब सनी देओल के साथ वरुण धवन की एंट्री हो चुकी है। फिल्म के टीजर में उनकी आवाज ने लोगों में अलग ही बज बना दिया। ऐसा फैंस जानने के लिए बेताब है कि फिल्म में उनका क्या किरदार होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि वरुण धवन फिल्म बॉर्डर 2 में सुनील शेट्टी के बेटे का किरदार निभाने वाले हैं। अब वरुण धवन के किरदार के बारे में बात करने से पहले हम आपको बॉर्डर 2 के भैरव सिंह से रूबरू कराना चाहते हैं और बॉर्डर फिल्म में भैरव सिंह का किरदार किसने निभाया था यह भी बखूबी आप जानते हैं। इस किरदार को बॉलीवुड के जाने माने व एक्शन हीरो में से एक सुनील शेट्टी ने प्ले किया था और काफी ये दमदार रोल था। फिल्म उनका डायलॉग काफी पॉपुलर हुआ था और फिल्म के एक सीन में वो कहते हुए नजर आते हैं, ये धरती मेरी माँ है, क्योंकि फिल्म में जब वो मथुरा दास के किरदार में भिड़ते हैं तो गुस्से में इस डायलॉग को कहते हैं। वैसे भी मूवी में उन्हें इस डायलॉग को रिपीट करते हुए कई बार सुना जा सकता है, लेकिन मथुरा दास से विवाद के बाद भी डायलॉग हाईलाइट हो गया था। फिल्म में भैरव सिंह के कैरेक्टर को मृत दिखाया गया था जबकि असल जिंदगी में वो जीवित होते हैं। ऐसे में बॉर्डर 2 में वरुण धवन का सुनील शेट्टी के भैरव सिंह के किरदार से तगड़ा कनेक्शन बताया जा रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया में आई खबरों की माने तो बताया जाता है कि सनी देओल की बॉर्डर 2 में वरुण धवन सुनील शेट्टी के बेटे का किरदार प्ले करने वाले हैं। हालांकि इसे लेकर अभी ना तो मेकर्स और ना ही कोई और ऐलान किया गया है और ना ही वरुण धवन की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है, मगर वरुण धवन के किरदार को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। सनी देओल के साथ काम करने के लिए वरुण धवन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है और जल्दी इस फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि बॉर्डर फिल्म जब साल 1997 में रिलीज हुई थी तो इस फिल्म का बजट तकरीबन 9 से 10 करोड़ रुपए था, लेकिन इस फिल्म में अपनी लागत से कई गुना कमाई करते हुए तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी किया था। यही बड़ी वजह है कि बॉर्डर फिल्म के चाहने वालों की आज भी कमी नहीं है।